आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार। शांति के खातिर साझा अभियान कोक है आ न्यू यंग स्टार क्लब 12 आ रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज पर तैयार कैल गेल कार्यक्रम युवा जागरण में स्वागत करतानी हम नूर आलम बादशाह आ हमरा के प्राविधिक रूप में सहयोग कर रहल बानी रुस्तम जी। श्रोता मित्र, जे तरह एन कानून अनुसार निर्वाचन करके नेता छानल गेल रहे या लोक सेवा आयोग द्वारा कर्मचारी के छनौट कैल गेल होके, ऐसन में उ लोग जे सिस्टम के तहत आयल बा लोग, उ लोग के ये सिस्टम के अनुसार जनता में कितना समर्पित रह लेता। सरकार जौना उद्देश्य राह के सिंह दरबार के सेवा जनता के घर घर पहुँचावे के योजना बनौले बा, ऐसन में सर्वसाधारण जनता इ चीज के कितना अनुभूति कर रहल बा। ऐसने समसामयिक विषय पर आज के युवा जागरण रेडियो कार्यक्रम में हमनी के सहकर्मी वीर बहादुर कुशवाहा जी रामचंद्र लामी छाने से विशेष बातचीत कैले बड़न। डॉक्टर साहब ईस्टर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बड़न, एक किस्म से कहल जाए तो नेपाल के ख्याति प्राप्त लोग में से परलन। इनकर अनेक टीवी में देहल अंतरवार्ता हमनी के यूट्यूब में सर्च करके देखल सुनल जा सकता। सुनल जाओ उनकरा से कैल गई बातचीत। सरकार जौन उद्देश्य रख के सिंह दरबार के सेवा जनता के बीच घर घर पुरियावे के जौन लक्ष्य रखले बा, सर्वसाधारण जनता इस चीज के कितना अनुभूति कर रहा बा अपने के विचार में? हमारे विचार में क्या लगा था कि हम बीच में बहुत जिला घूम ले बनी तो बहुत ग्रामीण स्तर के जनता से हमारे इंटरेक्शन भी अंतर्क्रिया भी भइल बा, बातचीत भी भइल बा। ये आधार में हम का कह सके काथी कह के हम सकता नहीं कि जौन इंटेंशन से संविधान में ये सब प्रावधान लिखल गए उ इंटेंशन के मुताबिक इमें दो प्रकार के अपने के हमार निरीक्षण बटे हमार बुझाई दो प्रकार के बटे। अगर हम पहाड़ के कौन जिला में गाँव में गई बनी तो वहाँ जनता बहुत निमन सेवा अपने के मिल रहा बा, स्थानीय सरकार बहुत निमन सेवा दिले बा, विकास के काम भी और जनता के चाहना अनुसार वो सब विकास के कार्यक्रम कैल गई बा। अगर हम मधेश में अथवा तराई में तराई की बात करी तो थोड़ा फर्क किस्म के हमारा के अनुभूति बटे। जैसे कि अब हम हमारे घर परसा जिला गादी गाँव पालिका पटरवा सुगौली गाँव पालिका हमार वहाँ देखता नहीं विकास के काम परसा जिला में अथवा बारा जिला में देखकर हमारा मन में ऐसा लगा था कि वहाँ जौन गरीब समुदाय के जितना सेवा देवे के आवश्यकता रहे वो सब सेवा हम हमारा विचार में नहीं मिलल लोग के, क्या कि गाँव पालिका बिना योजना अपन मनोमानी तरीका से कार्यक्रम कर रहा बटे। तो इस हिसाब से अगर कहल जाए तो बहुत गरीब और पिछड़ल वर्ग के जनता संघीयता के हिसाब में जौन सेवा अथवा सुविधा उ लोग के मिले के चाहत रहे, उ लोग के आत्मसम्मान के प्रवर्धन मतलब होके के चाहत रहे उ तनी कमजोरी जैसा लगा था हमरा। अच्छा, जैसे अपने पहाड़ के बात कह लिया तो पहाड़ में मतलब उ लोग कैसन किस्म के कर रहा बा एक बारे में तनिका डिटेल में कहूँ ना। तीन चार गाँव पालिका नगर पालिका में हम पहाड़ में वहाँ के गाँव पालिका से काम भी कर ले लिया कह लिया तो उ लोग काथी करता कि अब स्थानीय सरकार के जौन निर्वाचन होके लोग आई तो उ लोग के प्लानिंग बाकी पाँच बरिस में हम काथी करम तो पूरा प्लानिंग करके सबसे गरीब जनता के हम कौन कौन ज़्यादा सेवा सुविधा देवे सकम तो जनता के आर्थिक अवस्था अनुसार के कार्यक्रम वहाँ पर तय हो गई बा। तो एकरा हिसाब से देखम तो समाजवाद के एकरा के कहल जाला जौन जब अत्यंत गरीब लोग बा ओकर आवश्यकता विशेष होला, एक ही प्रकार के विकास के मॉडल से उस सब के संबोधन ना हुई तो हम देखनी है कि पहाड़ में बहुत गांव पालिका में इस सब के प्रावधान के मुताबिक वहाँ विकास के काम भई रहा बटे। गरीब के बात अपने कर रहा बड़ी तो गरीब में उ लोग कथी कर रहा बा, गरीब के लिए कथी कर रहा बा? गरीबी के रेखामणि के जितना भी जनसंख्या बटे ओकर बहुत विशेष प्रकार के आवश्यकता बा, जैसे कि ओकर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नहीं के भइल, मतलब बिहान अगर खाना खाई तो शाम के काथी खाए के होर पूरा दिन अपनी के दो छाक के गुजरा में बित रहा बाटे। तो ऐसा ठाव में उ लोग का कहले बा कि उ सब के रोजगारी के सृजना का कैसे रोजगारी के सृजना हुई, जैसे छोटे मोटे औद्योगिक कथी कहल जाला उद्योग धंधा जैसे कि झाड़ू बनाए वाला उद्योग स्थानीय स्रोत साधन में उ लोग के क्षमता अभिवृद्धि करके छोटा मोटा से उद्योग उ लोग खातिरा शुरू कर गई बा। ओकरा हिसाब से कहा बाकी दिन उखनी के जितना भी श्रम बा ओकर प्रॉपर हिसाब से मतलब उचित ज्याला उलो के मिल रहा बा। और दूसर बात कहा बाकी जितना भी महिला और पुरुष में ज्यालादारी के विभेद बा उ सब हटा दिया गया बा। तो ये हिसाब से बहुत हम देखनी और निमन चीज का कि
बहुत गरीब समुदाय पर वहाँ के विकास केंद्रित बाटे। तो ओकरा बाद में जब ओपनी के जब आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुई तो वो सब गरीब समुदाय के बेटा बेटी कहाँ पढ़ेला सरकारी स्कूल में। तो पूरा ध्यान देवल गए बा कि सरकारी स्कूल के सुविधा अपने के बोर्डिंग स्कूल से निमन हो। तो हम देखनी है रूपा गाँव पालिका में तो बोर्डिंग स्कूलें बंद भई। सरकारी स्कूल की क्वालिटी इतना ना ज्यादा बढ़ावल दिया गया कि वहाँ लोग आचार संहिता लागू कैल कि कहलक कि जितना भी जन निर्वाचित प्रतिनिधि बा कर्मचारी सब बा राजनीतिक पार्टी के प्रमुख पार्टी के नेता सब के बेटा बेटी सब अनिवार्य रूप में सरकारी स्कूल में पढ़े। तो पूरा लोग बोर्डिंग से निकाल के सरकारी स्कूल में अपन बेटा बेटी के भरना कैल। तो तीन गो बोर्डिंग वहाँ बंद हुई। तो सबसे काथी हमने के कह सकता नहीं काथी हम कह के सकता नहीं कि पूरा गाँव पालिका एकदम गरीब में केंद्रित बाटे वहाँ। तो में बहुत हमरा के खुशी लागल कि ये खातिर संघीयता हमने के मांगले रहनी। तो वहाँ थोड़ा देखे के मिल रहा बा। अब ये आके हम अपन गाँव में देखे तनी तराई में तो सब चीज में बहुत मतलब अपने के कहे के चाहते रही। जैसे कि नेपाल सरकार शिक्षा में करोड़ों लगानी कर रहा बा मगर फिर भी गार्जियन प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ावे के बाद अपने काहे देख रहा बानी एक कारण सब चीज में हम काफी देखता नहीं। एक तो हमने के बुझे के पड़ल खास करके तराई मधेश में हमने के सामाजिक इंडिकेटर सामाजिक सूचक इतना नीचा बाकी जौन गार्जियन अपन बेटा बेटी के स्कूल पठावता वो स्वयं गार्जियन ज्यादा देर पढ़ल लिखल नहीं कर नहीं तो ओकर भावना आपने के देखम तो बहुत पवित्र भावना बाकी वो अपन चाहता कि बेटा बेटी की पढ़ाई आधुनिक जमाना अनुसार के दुख करके बेटा बेटी की पढ़ाई। अब यहाँ पर हम टीचर समुदाय के बहुत बड़का कमजोरी हमारा नजर में आवता। अरे भाई अपने के स्कूल में अपने के गाँव के बेटा बेटी पढ़े आवता अगर आए रोगा सब चाहे सब टीचर लोग चाहे तो बहुत निमन पढ़ावे सकी कहे कि हम दिहार के पढ़ल रही हम लोग के बहुत हमार बहुत श्रद्धा हमरा के अपन गुरुजी लोग प्रति बा वो तराई समुदाय से रहलन मधेसी समुदाय से रहलन तो बहुत हमनी के निमन लोग पढ़ेलन। हाँ हम पहाड़ी मूल के हैं लेकिन हमरा के नेपाली ट्यूशन भी मधेसी सर से पढ़नी है। ऐसे एक मतलब जी अपने बोर्डिंग पढ़ले पड़ी कि ना 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 बोर्डिंग पढ़ ही नहीं पढ़ ले बहुत सरकारी स्कूल है वो देहात के। तो हम अपने के कहनी कि हम अपन नेपाली ट्यूशन भी सरलाई के हमार गुरुजी उन एलपी मिश्रा उनका से हम ट्यूशन पढ़नी है मदन गिरी कह के रहल मऊवन के उनका से हम पढ़नी है। तो उ लोग हमरा के सिखेलन और मैथ साइंस पढ़ाए वाला सब गुरुजी तब अब वो तराइये से रहलन। तो इतना निमन हमने के स्कूल में पढ़ाई वक्त रहे कि अब हमने के कब आवश्यकता ना भइल कि अथवा हमने के तक हालांकि बोर्डिंग भी ना रहे उस टाइम में ओकर आवश्यकता भी हमने के ना रहे हम वहाँ से पढ़ के आनी तो हम ये सब वनस्तरी के बड़का बड़का स्कूल के विद्यार्थी सबसे कंपटीशन कर रही। तो एको दिन हमने के ना लागल कि हमने के हम सरकारी स्कूल से हैं हमें संगतिया सबके ना लागल कि ये सरकारी स्कूल के हैं। तो हमने के तो बोर्डिंग से ज़्यादा हमारे सरकारी स्कूल में बोर्डिंग से ज़्यादा निमन पढ़ाई उपलब्धि अपने के बा। अच्छा सर एगो बातचीत जब भेबे कल तो अपने बारे में तक बता देवल जाओ ना जो सरकारी स्कूल पढ़ के सुने तारी कि बड़ा कोनो कोनो देश में भी भ्रमण भी कैली तालीमी संचालन कथी कथी कैली अभी तक वो प्रति भी अपने बारे में कुछ जानकारी दे देवल जाए तो बड़ा बढ़िया रहे। बहुत धन्यवाद। हमारे परिवार 2040 साल में कास्की जिला से परसा जिला में माइग्रेट होकर रंगभुटानी में हमी के घर जी। तो हम श्री दीपनारायण आदर्श महावी में वहाँ से हाई स्कूल कैली है एस एल सी 2047 साल में वहाँ से फर्स्ट डिवीजन से कैला के बाद हम हेटौड़ा के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री से आई एस सी कैली ओकरा बाद कुछ समय हम एक साल के लिए वन विभाग में रेंजर होके काम भी कैली 7-8 महीना खातिर। तो ओकरा बाद में 3 वर्ष हम कौन प्रोजेक्ट में काम कैली। तो ओकरा बाद में हम काठमांडू में आके बी एड कैली वहाँ से बी एड कैला के बाद एल एल बी कैली ओकरा बाद में एम ए रूरल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस भी कर लेनी है। ओकरा बाद अमेरिका से हम अप्रिसिएटिव इंक्वायरी में एगो सर्टिफिकेशन कोर्स कैली जे पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स अमेरिका से कैली ओकरा बाद में हम बहुत सारा तालीम चला रहा बनी। तो अपने के देश में हम करीब 70 जिला में जाके हम खुद तालीम कर ले बनी। तो भाषा भी हमारा ठीक ठाक है बा भोजपुरी हमारा सेकेंड लैंग्वेज है मैथिली भी समझनी 4-5 गो नेपाल भीतर के भाषा 5 भाषा हम समझ सकें।
तो बाद में हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ावी रूरल डेवलपमेंट एम ए रूरल डेवलपमेंट की। तो विजिटिंग फैकल्टी के रूप में हम चाइना के बहुत 4-5 के यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा ले बनी। चाइनीज चाइनीज विद्यार्थी सके आप पढ़ाओले बड़ी अपने? जी जी चाइनीज विद्यार्थी चाइनीज टीचर सब की। तो 4-5 के यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा चुकल बनी हूँ। तो तालीम के सिलसिला में बहुत करीब करीब 15-16 देश करीब 20 देश में हम भ्रमण कर चुकल बनी। तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी में भी हम अपन स्पीच दे दिले बनी। तो फिलीपींस में फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हुई, यूनाइटेड नेशंस कोरिया में भइल इस्ताना, टर्की के इस्तानाबुल में भइल, श्रीलंका बांग्लादेश ये सब देश में हम अपन प्रेजेंटेशन दे दिले। मतलब कि सरकारी स्कूल पढ़ के इतना तक पहुँच गल बड़ी। अच्छा ये बताओ जाओ कि अपने पहाड़िया समुदाय से बड़ी ये से भेल ह आ कि सरकारी स्कूल से पढ़ के ही अपना काबिलियत पर अपने भइली हते के एकरा बारे में बताओ। ये हमने के थोड़ा ये समुदाय के कोनो चीज नहीं खेले देल के, काहे कि हम रहन ये 10 के 11 12 बरस के भेल रहन त रंगबुटाणी में आके हम सारा जितना भी बात सीखनी है तो हमारा कुछ फायदा भइल, काहे कि पहाड़ों के हम कुछ सीख ले लिया, मधेसी की सीख ले ली, ओकरा बाद में जागीर करे खातिर हम सुदूर पश्चिम में चल गईली। तब बहुत सारा नेपाल के जितना भी विविधता बा डाइवर्सिटी बा हम बहुत निमन से हमर मतलब निमन से हम हमरा के का भइल बा कि इंटरनलाइज ओकरा के भइल बाटे। तो हम समझ सकता नहीं कि कौन समुदाय के का स्ट्रेंथ है, कौन समुदाय के विकास के मॉडल कैसन होके के चाहिए, ये सब चीज हम समझ सकते नहीं। रउआ कहनी है कि हमारा अपन प्रोग्रेस अथवा हमारा अपन इसमें समुदाय के कौन ही नहीं खिका है कि हम जितना भी सीखनी है वो पहाड़ से सीखनी, मधेश से सीखनी, सुदूर पश्चिम से सीखनी, पूर्व से सीखनी, हेटौड़ा से सीखनी, विदेश से सीखनी, विदेश से सीखनी, ये सब चीज़ के सम्मिश्रण है। तो ये सब चीज में एक चीज हम रउआ के जरूर बताएं, ये सब चीज के आधार फाउंडेशन का है कि अगर हमर जहाँ जहाँ हम पढ़नी है सरकारी स्कूल वो स्कूल के गुरु लोग निमन ना पढ़ाई तो ये संभव ना रहे। तो गुरु जी के अपने श्रेय दे रहल बड़ी, गार्जियन लोग के सहयोग नहीं थे? ना ना गार्जियन के तो भयमे कई, काहे कि अब हमार परिवार उतना निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, तो गरीबी भी हमने के बहुत निमन से देख ले बानी, ओकरा के अनुभूति भी बाटे। तो एक दिन ऐसा भी जिंदगी में समय आए कि 10 क्लास के फी भी हमने के भोरे के फैमिली में मुश्किल रहे, तो वो टाइम में भी हमारे फैमिली के खास करके माता पिताजी के एगो मान्यता रहे जितना भी प्रॉब्लम आओ लेकिन बेटा बेटी के पढ़ावे के चाहिए, ये सब चीज़ मान्यता वो सब आशीर्वाद बन के रहा जिंदगी में। तो आज हम सारा तराईवासी गार्जियन सब के हम कह के चाहते नहीं कि देखी एक चीज़ में कंप्रोमाइज मत करी लगन, वो है बेटा बेटी के पढ़ावे वाला चीज़। अगर रहुआ पढ़ा दम तो बिना चप्पल के हम 4 क्लास में जाके तो चप्पल पहननी है, 16 बरिस में जाके हमारा के बिजली वाला रूम में बीरगंज में जाके जब डेरा लेनी है तब वो मिलल है। तो ये बात हम चाइना में कहनी तो लोग भी बड़ का प्रोफाइल बना के चिपका मतलब कि 16 बरिस में बिजली देखल आदमी हमने के पढ़ावे खातिर आ रहा बा नेपाल कह के वो लोग लिख लग। तो हमारा बहुत गर्व महसूस भइल कि हम तो देहाते के आदमी बनी, अगर देहातों में एगो स्कूल निमन हो जाए तो देखिए तो कितना कितना बड़का प्रगति आदमी करे सकी। गार्जियन के बात तो अपने तक कह दिले जो गार्जियन के जैसे भी शिक्षा में तैको कम्प्रोमाइज न करे के अपने जो बात कहलिए। अब ए जो अध्ययन अध्यापन बन हमने के तराई के सामुदायिक विद्यालय के अवस्था इकरा के कैसे सुधारल जा सके था? तराई के हमने के स्कूल के सुधारल बहुत जरूरी बाटे कि आज के क्लाइमेट चेंज के टाइम में स्कूल में बहुत कम सुविधा बाटे। तो हम बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट स्थानीय सरकार से करे के चाहता नहीं कि रउआ लगन अगर विकास करे के चाहता नहीं कि फुल सुविधा और फैसिलिटी अपन स्कूल में दी लगन। हम तो चाहता नहीं कि हर स्कूल की एयर कंडीशन बनाई ताकि वो सब गरीब समुदाय के लड़का लड़की बैठ के वहाँ से रिलैक्स करके पढ़े, हर स्कूल में डिजिटाइज होकर कंप्यूटर पर विधि होकर रउआ चार के सड़क में पैसा खर्च करें, अब की बार सड़क बनाएं, कुछ समय के बाद सड़क हुआ बिगड़ जाए तो लोग कहे कि जनप्रतिनिधि लोग काम ही ना कैलक लोग। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे सब गाँववासी के पास कौन कार गाड़ी तो नहीं है, वो सबके एकदम चिपलो बाटो चाहिए। तो काम चलाऊ वाला रोड हुई तो हो जाए अभी के ए माने शिक्षा में, लेकिन शिक्षा में अव्वल चाहिए, काहे कि हम आपने के बताओ तनी 12 परसा के अगर लड़का लड़की के हमने के निमन सिखा दम तो वो लोग साइंटिस्ट बन जाए। अगर आज के मिति में देखा तनी कि अब जैसे बेंगलोर में बा हर लड़का घंटा के $50 5,000 रुपया का एक घंटा में कमा रहा है, हर लड़का हो को लड़की हो,
उसे कई गुना टैलेंट हमनी के बेटा बेटी बा। अगर हमनी के शुरू से निमन शिक्षा दे दम तब तो उ लोग घरे बैठल बैठल आजकल आईसीटी के जमाना में लोग रही अपने के सिमरनगढ़ में लोग रही काम करी अमेरिका के। हाँ, तो आज के ई जमाना ई जमाना में लगानी कहाँ कहीं जरूरी बा, लगानी स्कूल में कहीं जरूरी बा। ये सब चीज गार्जियन के किए भी समझे के चाहिए। हमनी के जेकरा के वोट देले बानी उ सब के हमनी के बहुत निमन से रिक्वेस्ट करे के चाहिए कि शिक्षा के ओर अग्रसर कर जाओ। ओकरा बाद में दो नंबर में चीज है हमनी के खेती प्रणाली। हमनी तो किसान है। आज हम बताओ तनी एक बीघा में नेपाल में 12 पैसा जैसा जमीन में 70 मन धान फलेला एक बीघा में। एक बीघा सही बात है। अगर हमनी के प्रविधि युक्त तरीका से खेती करम तो आज रउआ बताई तो अपन जगह में एक बीघा में कितना फलेला 30 मन 40 मन 30 मन 40। खाली नेपाल स्थानीय सरकार अगर किसान के केंद्र बिंदु में राख के योजना बनाई तो हर किसान के हर मतलब बीघा में 70 मन हमनी के धान फला। इजरायल में एगो किसान खेती करेला। इजरायल कह के एगो देश बा समुंदर में भर के पूरा अफ्रीका से मिट्टी लिया के उ देश के बनावल गई रहा। उ देश में किसान खेती करेला तो 1.5 बीघा एक बीघा में 60 लाख रुपया एक साल में कमावेला। एक बीघा में 60 लाख रुपया नेपाली। आज हमने के कितना में 12 पैसा में प्रति बीघा एक बीघा में तो लागत के तुलना में नहीं दोबर घाटा के किसान अभी खेप रहा सबसे मार। अगर जब तक हमने के ना बदलम तब तक समृद्धि ना आई। तो गाँव पालिका नगर पालिका ये बहुत ध्यान दे के सोचे वाला बात बा। अगर गाँव पालिका नगर पालिका चाहे 2 बरस में हर किसान कमती में 20 लाख रुपया एक बीघा में कमाई तो हम प्रश्न पूछे के चाहता नहीं रउआ के जे वोट दिले बा उ सब के समृद्धि खातिर रउआ काम कर रहा बानी कि अथवा अपने के का है इंटेंशन। हमनी पहले बहुत हमनी के स्रोत से गरीबे नहीं के हमनी के स्रोत से गरीब बानी एकदम ये कैसे शताब्दी सोच के टाइम है जी जी नॉलेज के टाइम है इमेजिनेशन के टाइम है। तो हमने के सब स्थानीय सरकार के पदाधिकारी से हम बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन हम करे के का चाहतानी कि अगर हमने के देश के हमने के गांव के रउआ समृद्ध और धनी बनावे के चाहतानी तो सही चीज में लगानी करी लगे विकास योजनाबद्ध तरीका से विकास करी लगे। तो ई तरीका से कुछ ना हो रउ सब दिन खातिर मेयर साहब अध्यक्ष ना है एकदम अब 3 बरस और बाकी बा। तो जनता आज के जनता उहो लोग के भूमिका मूल्यांकन मूल्यांकन कर रहा बाटे। तो बिहान तो जनते होके के चाहिए हमने जैसे गांव में आके बैठम ना रहो। तो ई सब चीज के ध्यान दे वाली स्थानीय सरकार के विशेष अनुरोध बा। और टीचर सब से भी एगो विशेष अनुरोध बा। हमहू टीचर हैं तो जब टीचर क्लास में जाला हर लड़का के अनुहार में हर लड़की के अनुहार में उस सब के महान साइंटिस्ट के पिक्चर देखल बहुत जरूरी बा। उन लोग के समझे के चाहिए कि वो हर दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के पढ़ा रहा बा। तो लगाव से क्लास में पढ़ावे के चाहिए तो हर बच्चा बहुत बड़का आदमी बने। तो इस सब चीज में ध्यान देवल बहुत जरूरी सोच में टीचर के सोच में टीचर के सोच में स्थानीय सरकार के सोच में समग्र गार्जियन के सोच में समग्र विद्यार्थी भाई बहन के सोच में बहुत बड़का परिवर्तन जरूरी बा। हम अभी कह के चाहता नहीं जे अभी अभी स्कूल में पढ़ रहा बेटा बेटी बैठे ओकर भविष्य बहुत सुंदर बा। उ सब अपने आप के बहुत बड़का साइंटिस्ट समझल बहुत जरूरी बा। मन में बहुत आत्मविश्वास के साथ क्लास में पढ़ल जरूरी बा। तो ई सब आत्मविश्वास जगाव के हमनी के नागरिक समाज और गार्जियन सबके ड्यूटी बा। अगर खाली रहुआ गार्जियन सब अभिभावक सब अपन बेटा बेटी में कॉन्फिडेंस अगर जगा दी तो वो पढ़े के काम अपनी के है। तो वो बहुत निमन पढ़ी बहुत निमन हमनी के बहुत सुंदर भविष्य आगे हमनी के वेट कर रहा बाटे। लेकिन एगो चीज देखल बा तराई के स्कूल में चाहे गार्जियन में लोग में कथिन कि लड़का लड़की पढ़ित बा किशोर उमेर के जौन ओकनी के अवस्था में विपरीत लिंग प्रति जौन आकर्षण बहुत लड़के लड़की यही चक्कर में होके मतलब कि पढ़ाई के अपन लक्ष्य तक पुगे न सकता। ये संदर्भ में अपने का कहे अच्छा ये सब अट्रैक्शन बहुत सिंपल चीज है। अट्रैक्शन होबे करेला ये नेचुरल चीज है। हमने के ऐसा सोसाइटी से बानी कि 12-13 बरस में हमने के शादी करके घर घर पठा ओकरा जौन कंसिक्वेंसेस ओकरा जौन परिणाम होकत रहे घर में जैसे 16 बरस के 12 बरस के बेटी के शादी करके हमने के घर में पठा दिल रही 15-16 बरस में ओकरा पर जौन
चीज बीत रहा रहे वो सब हमने के अनुभूति बहुत कम बाटे। काहे कि हमने का समझने की बेटी है दूसरा घर के घर में पठा दूसरा घर में जिम्मेवारी से हमने के मुक्त हो गई ऐसे हमने के सोच सोच के आ रहा बनी है। ये हमने के सामाजिक मूल्य मान्यता है, लेकिन हर का चीज की बेटा बेटी दोनों बराबर है तो ये सब चीज हमने के सोचल का जरूरी बाकी विपरीत लिंग प्रति के अट्रैक्शन ये नेचुरल रूल्स है मतलब प्रकृति के। लेकिन अगर हमने के निमन काउंसलिंग हुई तो वो कुछ बिगाड़बे ना करी बच्चा सके निमन संस्कार देवे संस्कार देवे के पड़ल वो प्राकृतिक है कह के ओकरा बारे में ओपन बातचीत करे के पड़ल खुल के बातचीत करे खुल के बातचीत करे ये बहुत निर्मल नॉर्मल चीज है। साथी संगति हो पे करेला लोग ओकरा के रिकॉग्नाइज कइल बहुत जरूरी बा। स्कूल के टीचर सब भी सब चीज में समझाओ मतलब काउंसलिंग करे के बहुत जरूरी बाटे। घर में भी एक प्रकार के वातावरण क्रिएट करके बहुत ज्यादा विश्वास आपस में सृजना करे के करके इस सब चीज के बहुत निमन से व्यवस्थित कर सकल जाए तो इस सब चीज में ध्यान देवल जरूरी है। अच्छा अपने कहलिए शिक्षा में स्थानीय सरकार के शिक्षा में लगानी करे के चाहिए, कृषि किसान के अवस्था के सुधार में लगानी करे के चाहिए, स्वास्थ्य की स्थिति तो वैसे खत्म मानू ये संदर्भ में अपने का ना स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी बा। अगर देखल जाओ तो हमने के तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, पहला शिक्षा, दूसरा कृषि, तीसरा भी स्वास्थ्य। ये सब चीज के सुधार बिना कहीं विकास ना हो। विकास के मतलब रोड ना है, विकास के मतलब नाला निशान है, विकास के मतलब मनस्थिति है, विकास सोच है, बुझिए कि नहीं। अगर हम खुद अपने स्टोरी हम आप लेके कहनी है कि अगर पैसा से खाली पैसा से कुछ हो पढ़ाई वाला होके वाला रहे तो हम वो फैमिली में से ना है कि जहाँ हमारा पहले हमने फैमिली में बहुत पैसा रहे या हमने के पढ़ा पढ़ावे खाली हमारे बाबूजी या माई में सोच रहे ओकरा हिसाब से हम पढ़ लिया। हमारे गांव के नजदीक बहुत बड़का जमींदार के बेटा बेटी सब स्कूलों नजदीक रहे पैसों वो लोग के पाल टाल रहे लेकिन लेकिन पढ़ ना ए पढ़े ना सकल पढ़े ना सकल का है कि वो लोग ये सब के महत्व ना बुझे सकल लोग। अच्छा तो ये सब चीज के महत्व बुझे के टाइम बा का है कि ये कैसे शताब्दी जरा के हम कह रहा बानी ये टाइम में नॉलेजे संपत्ति है। जी 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 एकदम एकदम पहले पहले टाइम रहे जहाँ जगह जितना बीघा ज्यादा जमीन होकत रहे वो धनी होत रहे। आज जे इंजीनियर रही जे डॉक्टर रही जे वकील रही जे आई मीन कृषि विज्ञ हो को वन विज्ञ हो को उ लोग के जमाना है। आज तो इमें ज्यादा संपत्ति कह के वही पढ़ाई संपत्ति है आज के जमाना में एकदम एकदम एकदम। अच्छा अपने तराई से जुड़ल बढ़िया तराई में घर है अपने के हमनी के खातिर ए बेरोजगारी दूर करे खातिर माने अपने संभावना कति देख रहल बड़ी। ओह अगर हमरा बात कह दे तानी पर साल हमने के जनकपुर में समृद्ध मदेश कह के एगो विजन समिट भी वहाँ कैली कैले रही प्रदेश सरकार आयोजन कैले रही तो हम वहाँ जाके अपन आइडिया प्रस्तुत में कैली हम अपने के ठोक के दें तीन साल में पूरा सारा मदेश समृद्ध हो जाए। कैसे जादू के छड़ी घुमा दे जादू से भी ज्यादा सहज कैसे रोगा के हम एक बात कहते हैं जितना भी तराई मध्य समुदाय की महिला सब बा वो तो पढ़ल लिखल कम है इंडिकेटर ये है लेकिन वो सब इतना निमन ढकिया दौरी बना वाला कि नहीं तो वो सब तो कमर्शलाइज नहीं के भाई। अगर ओकरा के हम इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दी तो घर घर में कितना आमदनी बढ़ी। वैसे लोग आम के अचार बना वाला आज वीरगंज से हर नेपाल में डिपार्टमेंटल स्टोर में लोग जाके देखें तो पूरा इंडियन अचार हुआ बटे वही तो वो सब अचार बना के कला तो हमने के घर घर में बटे। अगर 15 दिन रहुआ हुआ सब महिला सब के तालीम दे हम तक आज घर बैठल बा लोग प्रत्यक्ष आर्थिक रूप में संलग्नता कम बटे हालांकि घर के काम बहुत वो भी आर्थिक ही काम है लेकिन कैश इनकम होके वाला काम तो वो लोग कि हफ्ता में बहुत निमन आमदनी हो एक हफ्ता में बहुत ज्यादा निमन आमदनी हो सके क्या 15 दिन के तालीम के बाद तो ये सब सिखाओ कि ये सब करे के हमने के सोच भी चाहिए और इंटेंशन भी चाहिए। हम देखा था नहीं ना प्रदेश सरकार के ये सब में चीज इंटरेस्ट बाटे ना हमने के स्थानीय तह के सरकार में कौन इंटरेस्ट बा आर्थिक विकास खातिर उ लोग के खाली डोजर चलाओ बड़का बड़का प्रोजेक्ट ये सब में नाला इसका बेटर और डोजर में वो सब के इंटरेस्ट बाटे तो ये सब चीज बहुत जो आर्थिक संभावना बाटे मदेश में ओकरा के खोजल नहीं खेल अभी खाली हमने की अगर एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर क्रॉपिंग पैटर्न में अगर हमने के चेंज कर दम तो बहुत ज्यादा आमदनी हो कि ये तीन वर्ष के चीज है समृद्धि से हमने के तीन साल दूर बानी अचार बनाव के कहनी मतलब ऐसे नहीं कहूँ एकदम एकदम दनौरी आलू के चिप्स बनावे के एकदम एकदम हाँ हाँ ऐसा चीज के वो फैक्ट्री के रूप में फैक्ट्री ब्रांडिंग क्वालिटी हेल्थ कौन मतलब विद द हेल्थ इंश्योरमेंट स्वास्थ्य के लाभ के हिसाब से दृष्टिकोण से अच्छा अच्छा होके वाला ये सब पूरा ये सब तो आदमी रउआ सिखाएं तो आदमी सीख सही ना एकदम एकदम मजा से सीख एक महीना के तालीम में सारा काय पलट होके वाला चीज है लेकिन प्रदेश सरकारी में का इंटरेस्ट नहीं थे स्थानीय सरकार के इंटरेस्ट नहीं थे संघीय सरकार में ये सब चीज के कोई ध्यान नहीं थे दिले तो ये सब में राइट चीज में राइट इन्वेस्टमेंट हुई तब रूपांतरण बहुत अनिवार्य बटे अच्छा अब तक हमने विषय वस्तु से तक दूसरा ओर जा जाओ हमने के समाज में न बहुत सा सामाजिक विकृति सब अपने प्रमुख कौन ऐसा सामाजिक विकृति बा जरा वजह से हमने के समाज एकदम पछाड़ी पार रहल बा जैसे अपने के लगे था ना हमने के समाज में हमने के सोच बन बहुत विभेदकारी सोच बा हमने के समझे नहीं कि अब मदेश में देखला पर का समझे ला कि लोग पहाड़ी मदेश काठमांडू में हमने के जाए तो हमने के बहुत हैपेला ये सब कह के एगो राजनीतिक स्टंट ओकरा बनावल गई बा हम पूछे के चाहता नहीं सिमरनगढ़ के दलित के हैपे वाला क्या है एकदम वही लंके स्थानीय क्या है सही बात है ओकर बेटा बेटी मतलब वहाँ के धनिक सब के बेटा बेटी तो दिल्ली काठमांडू कहीं भी जाके पढ़ रहा अपने के कौनो दिन विभेद के महसूस नहीं किए उन लोग के कल हालांकि उन लोग आवाज उठा वाला विभेद में हमने की पढ़नी है ये सब कह के हम देखा था नहीं लेकिन वहाँ के गरीब आदमी के हेपे वाला क्या क्या है वो सब के हेपे वाला कहीं का तो ये सब जो विभेदकारी सोच बा बेटी के हेपे वाला क्या जी 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 सबसे ज्यादा तो उगरा के बेटी जन्म गल तो हमारे को बोझे जन्म हो गल कह के तो ये लोग अभी जोन भी ये सब तरह में राजनीतिक रूप में मतलब जोन स्टंट कर रहा बा ये बहुत बड़का प्रॉब्लम है वहां तो हम देखा था नहीं एक जात दूसरा जात पर इतना ना हाथ धो के पीछे पड़े ला ये सब तो हमने की तो वहां बैठ के अनुभव कर रहा बा आ स्वच्छ छवि के पियन बा तो ओकरा के ए पीउन बा कह के पीउन बा कह के इतना ना हेफल जा हां आ मेयर जितना भी भ्रष्टाचारी करे तो ओकर चापलूसी करेला मतलब कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जितना भी तो ई जब तक स्थानीय सोच आचरण में परिवर्तन ना आए कोनो क्रांति कोनो आंदोलन वहां परिवर्तन ना करे सकी तो आंतरिक विभेद बहुत बड़का बाटे मदेश में हालांकि पहले रहे पहाड़ में अब पहाड़ में बहुत कम बा आदमी के मतलब जात के ऊपर में नाम के ऊपर में ज्यादा विभेद नहीं के पहाड़ में हालांकि बाद वहाँ भी बाटे का है कि सामंतवादी संस्कार के बहुत लंबा यात्रा देश में भइल है सामंतवादी संस्कार अभी भी बाटे ओकरा हिसाब से बाटे पहाड़ों में लेकिन बहुत ज्यादा बा तराई में दिन भर आदमी कमाए वाला था घर आवे में एक पसरी डेढ़ पसरी दो पसरी पूरा उसमें पूरा श्रम पर शोषण एकदम एकदम ई सब चीज बहुत ज्यादा बटे ये वहाँ के विकास के बाद अच्छा ये वो चीज नु हमने के मदेश के खाए वाला एगो चीज बाद एगो हमर मूल्यांकन अब वो चीज का जन कैसे हो सके था जो बाल विवाह के जो विकृति बनू बाल विवाह से हमने के समाज एकदम पछाड़ी पड़ल बा आ गार्जियन कथी सोचल बेटी जन्म दही तेकरा से 14-15 वर्ष के हो गए 13 वर्ष के हो गए तो कहीं खाले उचे ला दह दी तो हमने के कमना के मुँह देखा कह के ऐसा एगो गार्जियन लोग एगो त्रास लेखा मन में बरमहल बैठ रहे एक के दूर कैसे करल जा सके वे हम कहनी शिक्षा के उपाय है ओकरा बाद में चेतना जगावल बहुत जरूरी बा और हर नागरिक कौन कौन मतलब हर जनता के कौन संगठन में आबद होकर के बहुत जरूरी बा जैसे बचत समूह भइल वातावरण संरक्षण समूह भइल कृषक समूह भइल मतलब अकेले अकेले ना रहे के सामाजिक संस्था में आबद हो के सामाजिक मूल्य और मान्यता के बदले खातिर सामूहिक रूप में आवाज उठावल जरूरी बाटे तो ई एगो नागरिक समस्या है तो एकरा के नागरिक एकजुट होके ही ओकरा से ओकरा के हल कइल जाय एकर कानूनी समस्या अगर हमनी के खोजम तो एकर कानूनी समाधान ना होला ई नागरिक सामाजिक समस्या है तो सामाजिक समस्या के समाधान कैसे कइल जाला कि सब नागरिक सब सामाजिक संस्था में आबद्ध होके एकरा के मतलब सामूहिक लड़ाई लड़न जरूरी बा जैसे कि मानी कि एगो 10 घर बा कहीं तो बेटी 15 साल के हो गई तो 10 घर के आदमी बैठ के निर्णय करी कि भाई 20 साल तक हमनी के बेटी के शादी नहीं के करे के अब 20 साल तक हमनी के स्कूल में पढ़ावे के बा
कमती में इतना पढ़ला के बाद हमनी के यहाँ से विदाई करें, बेटी के विवाह करो। हाँ, ये सब मान्यता बनावल बहुत जरूरी बा सब समूह के सदस्य मिलके, काहे कि ई तो अगर इतना भी मान्यता बन जाए तो समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन मतलब देखे के मिली। अच्छा, अब हमनी अंतिम के ओर आयल बड़ी, हमनी के समुदाय में जितना लोग वोट दे के जितावल जाले उ लोग पारदर्शी या जवाबदेही कैसे बनावल जा सके अपने के विचार में? ये सब चीज में हमने के जनता के हमने के बुझे के चाहिए, रहुआ बहुत निमन कइल बने कि भोजपुरी में कार्यक्रम संचालन करके बहुत दाजु भाई मतलब यहाँ के भाई बहन के जौन जानकारी करे के जौन प्रयास रहुआ कर रहा बानी। हालांकि रेडियो सुने के संस्कृति बहुत कम बा, लोगो रेडियो में गाना उना ज्यादा सुनेला, लोग ऐसा कार्यक्रम बहुत कम सुनेला, ओकरा बाद में भी ऐसा प्रोग्राम से बहुत आदमी के बहुत सीखे के मिलेला। तो ई सब कार्यक्रम के बहुत महत्व बाटे, तो एकरा के बढ़ावल बहुत जरूरी बा और जनता के सुसूचित कइल बहुत जरूरी बाटे कि राउर वोट उ जनता इतना सार्वभौमिक बाकी हमर सम्माननीय राष्ट्रपति जी के भी एके वोट है। अब बहुत गरीब हमने के गांव के हमने के भाई बहन जे बनिहारी को वोट जे बनिया ओकरा भी एके वोट है। तो अगर राष्ट्र के हिसाब से देखम तो हर नागरिक समान बटे, हर नागरिक के मूल्य समान मतलब बराबर बटे, मान्यता बराबर है। तो वो हिसाब से हमने के जितना भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि बढ़न उ सब के इस सब चीज के सम्मान कर बहुत जरूरी बटे, वो जनता के नाश लेके लोग वहाँ बैठल बा। अगर अगर हम आज कहे के चाहतनी रहुआ ये बहुत निमन हमरा के मौका देनी है कि कहे के हम अगर कहे के चाहतनी अगर केहू अध्यक्ष और मेयर उप मेयर नाजायज भी करी तो अभी हमने के जनता अच्छी ज्यादा लोग ज्यादा चेतनशील नहीं नहीं खे नहीं खे नहीं खे, लेकिन ओकर बेटा बेटी चेतनशील हो जाए चेतनशील ओकर बेटा बेटी ई सब के बेटा बेटी साफ पुस्ता के इतना ना घृणा करी कही रे एकर एकर तो हाई तो फलना के बेटा है। गांव में ओकरा के ऐसा ना कई लोग अब के 5 बरस 10 बरस बाद ये लोग तो रही कि ना रही, लेकिन एकर एकनी के शाखा संतान के जियल हराम कर दी लोग। अब के जमाना ऐसा जमाना है एकदम एकदम, अब कानूनी उपाय ना खोजल जाए, अब सामाजिक उपाय लोग खोजी, बहिष्करण के लोग करी, तब जियल दुश्वार हो जाए। अगर केहू पारदर्शिता ना हो, भ्रष्टाचारी में लिप्त भई वही तब ये सब के संतति के जियल हराम हो, 7 पुस्ता तक लोग ना छोड़ी, ये सब समझल बहुत जरूरी है। एकदम एकदम, एकरा खातिर अभियान भी हो रहल बा, जैसे देखता नहीं रहो ये अभियान में बानी हम हो ये अभियान में बानी, इससे पहले हम CIN में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहत रहनी है, तो बहुत हमनी के ये सब चीज के ज्यादा महत्व दे रहल बानी, बहुत सारा नागरिक समाज सब ये सब में काम कर रहल बा, तो ये सब चीज सब लोग के सोचे के बहुत जरूरी बा। अगर पारदर्शिता जनता के सेवा में थोड़ा भी कमी रही अभी तो ठीक है बा, काहे कि अब जनता सशक्त नहीं थे भाई, लेकिन एक दिन जनता सशक्त हुई जी सब चीज के हिसाब किताब मतलब कि माफी 7 पुस्ता तक माफी न हुई। हस्त सर, अपने एकदम इतना व्यस्तता के बावजूद जौन रेडियो बादल खातिर युवा जागरण के खातिर जौन अपने समय देली है एकरा खातिर अपने के हमनी के संपूर्ण टीम के ओर से अपने के बहुत 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 धन्यवाद देवे के चाहिए तरी। हम अपने सबके बहुत हृदय से धन्यवाद देवे के चाहतनी और अपन रेडियो की बहुत सफलता के हम शुभकामना करके चाहतनी। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोता मित्र, शासन संचालन प्रक्रिया में व्यक्ति सब में रहल शक्ति अधिकार आ दायित्व नागरिक के संतुष्टि में निहित होय के चाहिए। राज्य के ओर से जनता के खातिर देवे वाला सेवा आ व्यवहार सर्व सुलभ पारदर्शी भेदभाव बिना कानून के तहत होय के चाहिए। जनता के हित के सर्वोपरि मान के सेवा देवे के चाहिए, मगर आम जनता इस चीज की अनुभूति नहीं करत। चुनाव जीतते ही जनप्रतिनिधि आ लोक सेवा आयोग से पास करते ही कर्मचारी लोग अपने आप के मालिक आ आम जनता के नौकर जैसन समझ रहल बाड़न। जब तक ई लोग के जनता शासित न होके मालिक बाड़न सोच के विकास न हुई तब तक सुशासन के अनुभूत करावल कठिन बा। मगर कानून कर्मचारी आ नेता के दोष लगा देला से हमनी अपन जिम्मेवारी से पाला झाड़ देहल भी ठीक नहीं है। हमनी खाली दोष लगावे वाला ही काम करी ले सा।
मगर हमनी भी कितना दूध के धोयल बाड़ी सा हमनी जमुना पार्टी के समर्थन करके वोट दिले ओकरा के जितावेला अपन मान प्रतिष्ठा सब के दाव पर लगा दिले सा। वो जन प्रतिनिधि लोग के सिस्टम में रह के काम करेला कई बार कहले सा अपने आप प्रश्न कल जाता। अंत में हम यह कहम जमुना संविधान के तहत अपने के कुर्सी मिलल बा चाहे 5 साल होके चाहे 25 साल ला एकर गरिमा तबे बरकरार रही जब अपने ईमानदारी पूर्वक जनता के सेवक बन के सेवा देहल जाए ना तो समाज में जितना भी अपराध हुई एकर नैतिक जिम्मेवारी अपने के स्वतः लेवे के पड़ी। जी तो श्रोता मित्र आज के कार्यक्रम कैसन लागल है हमनी के फोन करके अपन प्रतिक्रिया जरूर देहल जाए। हमनी के संपर्क नंबर बा 9845188532। अंत में जाते जाते प्राविधिक मित्र रुस्तम जी के धन्यवाद देते कार्यक्रम सुने वाला संपूर्ण श्रोता लोग के धन्यवाद देते। अगला हफ्ता फिर यह समय में कोनो नया विषय में बातचीत करके अपने तक पहुंचावे के वादा के साथ हम संचालक नूर आलम बादशाह अपने सबसे विदा लेतनी। अपने सब के समय अच्छा से बीतो। नमस्कार प्रणाम सलाम आ धन्यवाद।